बड़ी खबर से भोपाल से स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान आया है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने की मांग उठा दी है। सिंधिया को वरिष्ठ और काबिल नेता बताया है। कहा है कि राज्यसभा में पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजने की मांग लगातार सिंधिया समर्थक जितने भी नेता हैं वो करते आ रहे। इस बीच शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सिंधिया को राज्यसभा भेजने की मांग कर दी। ऐसा है, सिंधिया जी हमेशा लगातार, वो एक युवा नेता है, देश के एक वरिष्ठ नेता है और राष्ट्रीय महासचिव है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और एक मतलब आकर्षक चेहरा भी है और उनमें एक क्षमता भी है नेतृत्व करने की, और पार्टी उनको उचित स्थान पर जरूर और उनका उपयोग करेगी। ऐसा है, सिंधिया जी हमेशा लगातार, वो एक युवा नेता है, देश के एक वरिष्ठ नेता है और राष्ट्रीय महासचिव है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और एक मतलब आकर्षक चेहरा भी है और उनमें एक क्षमता भी है नेतृत्व करने की, और पार्टी उनको उचित स्थान पर जरूर और उनका उपयोग करेगी। तो प्रभुराम चौधरी राज्यसभा भेजने की वकालत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसके पहले प्रद्युमन सिंह, इमरती देवी, तुलसी सिलावट, तमाम मंत्रियों ने मांग रखी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाए। राकेश चतुर्वेदी जुड़ गया है। राकेश, मध्य प्रदेश के नेता, कांग्रेस के नेता लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि राज्यसभा भेजा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। क्या रास्ता साफ नजर आता है, क्योंकि दिल्ली दौरे में राज्यसभा के उम्मीदवारों पर भी चर्चा कमलनाथ करने वाले हैं? देखिए, साफ तौर पर हम सिंधिया समर्थकों की बात करें, जब भी प्रदेश से किसी बड़े पद में फेरबदल या फिर चुनाव की बात आती है तो सिंधिया का नाम सिंधिया समर्थक आगे करते हैं। इससे पहले हम बात करें, जब मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ बदलने की जो पूरी कवायद चल रही थी उस दौरान भी सिंधिया समर्थकों ने एक सुर में ना सिर्फ ये मांग उठाई थी बल्कि कई बार पीसीसी के बाहर धरना भी दिया था कि जो है सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी जाना चाहिए। हालांकि पूरी जो मामला है प्रदेश में का वो फिलहाल बीच में अटक गया और अब जब राज्यसभा के चुनाव नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर सिंधिया समर्थक ज्योतिराज सिंधिया को राज्यसभा में भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। तमाम उनके समर्थकों की बात करें, हालांकि वो मंत्री हों या फिर पार्टी पदाधिकारी हों, अब आज प्रभुराम चौधरी जो कि सिंधिया गुट के एक अहम नेता है और फिलहाल वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री है, उन्होंने फिर ये मांग की है कि ज्योतिराज सिंधिया को राज्यसभा भेजाना जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने तर्क भी दिया है कि सिंधिया में कई तरह की जो खूबियां हैं उन खूबियों के आधार पर राज्यसभा के लिए एक मध्य प्रदेश से उपयुक्त चेहरा सिंधिया हो सकते हैं। सिंधिया हर स्तर पर हर विषय में एक बड़े जानकार तो है, मध्य प्रदेश के बड़े नेता तो है ही, साथ ही उनका जो व्यक्तित्व है वो भी राज्यसभा के लिहाज से है। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक बार जो फिर मांग उठी है वो कहीं ना कहीं इस बात की खबर जरूर सिंधिया खेमे को होगी कि राज्यसभा के लिए सिंधिया का नाम जो है आगे बढ़ सकता है, आगे चल सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार मांग की जा रही है तो ये इस तरह की अटकलें और कवायद चल रही है कि ज्योतिराज सिंधिया को राज्यसभा भेजने की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर सकती है। शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए।